हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि आज के इस वीडियो में मैं काइन मास्टर के अंदर ए टू जेड यानी कि वीडियो एडिटिंग के बारे में बताऊंगा, जिससे आप लोगों को वीडियो एडिटिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ए से लेकर जेड तक यानी कि टोटल फुल कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, जिसमें आप लोगों को मैं मतलब एक्सपर्ट करने के लिए भी बताऊँगा कि एक्सपर्ट किस क्वालिटी में किया जाता है, ताकि बढ़िया क्वालिटी उभर कर आए, जो कि यूट्यूब पर अपलोड करने के बाद अच्छे से अच्छी क्वालिटी हमें दिखे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे, काइन मास्टर को ओपन करेंगे, तो यहाँ पे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें तीन फॉर्मेट दिख रहे हैं, और जिसका अपडेट होगा उसमें और ज़्यादा फॉर्मेट आएगा। तो इसमें से जिस फॉर्मेट में हमें बनाना है उसको हम चूज करेंगे। तो हमें 16 वाले पे चाहिए, 16 9, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमें एक बैकग्राउंड लेना है। बैकग्राउंड पर मीडिया पर क्लिक करेंगे। मीडिया पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड ले लेंगे, और इसका हम लेंथ कुछ इतना रखते हैं। हो गया, इतना रखे हैं क्यों, यानी कि जितना लंबा बनाना है उतना लंबा हम रख सकते हैं इसको। तो अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, लेयर पे क्लिक करेंगे तो वीडियो, हमारा वीडियो है, उस वीडियो को ऐड करेंगे। तो हम उस वीडियो को देख लेते हैं कौन से वीडियो। चलिए हम मान के चलते हैं इस वीडियो को हम ऐड करते हैं, या फिर हम किसी और एक इस वीडियो को हम मान लीजिए ऐड कर दिए। अब ऐड करने के बाद आप लोग सोच सकते होइएगा कि आप लोग सोचते होइएगा कि यहाँ से हम क्यों नहीं ऐड किए हैं और यहाँ से क्यों ऐड किए हैं। तो इसका भी एक रीज़न है। तो यहाँ से ऐड करने के बाद क्या है कि वीडियो को हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इतना पर फुल वीडियो हो गया, फुल वीडियो हो गया। इसका हम सबसे पहले साउंड बंद कर लेते हैं। वीडियो फुल हो गया, अब इसको हम जूम इन और जूम आउट करके दिखाते हैं। तो इस वीडियो पे हम एक बार टैप करेंगे, और उसके बाद हम सबसे पहले इसको बराबर में करते हैं। तो जूम इन यहाँ से नहीं हो रहा, और इसको हम यहाँ से ऑफ नहीं ऑफ कर देंगे। इसको इस प्रकार से ऐड करेंगे, अब इस पर हम एक बार टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप चाबी वाला आइकन आ रहा है, तो इस पर जाएंगे, इस पर थोड़ा आगे बढ़ेंगे हल्का आगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद यहाँ पे आगे आएंगे, तो आगे आएंगे और इस प्रकार से ऐसे लाके यहाँ पे कर देंगे। फिर यहाँ पे आगे आएंगे, फिर अगर हमको और जूम करना है तो इस प्रकार से कर देंगे। फिर आगे आएंगे, अब हमें पीछे जाना है तो हम इस प्रकार से ऐसे कर देंगे। तो देखिए अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से एक हो रहा है। तो देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ से जूम हो रहा है वीडियो। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप जूम इन और जूम आउट वीडियो को एडिट करने टाइम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे इसमें क्या करना है। तो आगे अब हमें कुछ और ऐड करना है, तो यहाँ पर हम आएँगे। अगर यहाँ पर आएँगे, मान लिया हमें मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्ड में कुछ किए हैं, तो मोबाइल का जो डिस्प्ले है 9:16 वाला है, तो यहाँ पे मीडिया में सबसे पहले हमें बैकग्राउंड डालना होगा। तो मीडिया से हम लेंगे, तो बैकग्राउंड हमें कैसे लेना है, बैकग्राउंड ब्लैक नहीं लेना है, ब्लैक अच्छा नहीं लगेगा। तो हम कोई और सा ले लेंगे, तो चलिए हम इसको ले लेते हैं। इसको लेंगे और यहाँ से इसको इतना जूम कर देंगे। जूम करने के बाद अब यहाँ से हम ये जो आगे पीछे हो रहा है इसको हम बराबर करेंगे। तो हो गया। अब इसके बाद हमें यहाँ से इसको ब्लर कर देना है। लेयर पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट्स पे, बेसिक इफेक्ट। अब यहाँ से ब्लर ले लेंगे। उसके बाद ये इस पर हम घींच के इसको पूरे कर देंगे, और सेटिंग में जाएंगे, इसका थोड़ा ब्लर और ज़्यादा कर देंगे, और इसको छोटा करके यहाँ पे इस प्रकार से ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अब मोबाइल में हम जो रिकॉर्ड किए उसको ऐड करेंगे। लेयर से मीडिया स्क्रीन रिकॉर्ड, सॉरी मीडिया, और ये इसको ऐड करेंगे। तो इसको हम इस प्रकार से ऐड कर लेंगे।
ऐड करने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, एक मोबाइल का PNG डाउनलोड कर लेंगे। देखिए कैसा, मीडिया में जाएंगे, डाउनलोड में इस प्रकार का एक PNG डाउनलोड कर लेंगे। इसको जूम इस प्रकार से करेंगे, जूम करके इस प्रकार से बैठा देंगे। बैठाने के बाद इसको भी यहाँ तक घींच देंगे जहाँ तक हमारा ये वीडियो है। यहाँ से हो गया टोटल काम, अब मेरा सारा कुछ इसमें एडिट हो गया। अब इसमें क्या है देख सकते हैं आप लोग, कितना बेहतरीन लग रहा है यहाँ से लुक इसका। अब इधर हमें अगर कुछ लिखना है साइड में तो साइड में हम लिख भी सकते हैं, फिर नहीं लिखना है तो नहीं लिखेंगे। अब आ जाता है कि ग्रीन स्क्रीन वाला हम इसमें सब्सक्राइबर्स बटन कैसे लगाएं। तो लेयर पे जाएंगे, मीडिया में जाके एक्सपर्ट में, यानी कि जहाँ हम ग्रीन स्क्रीन का वीडियो बना के रखे हैं उसको, और यहाँ से इसको हम फुल कर देंगे। फुल करने के बाद अब इसको हम नीचे आएंगे तो क्रोमा की इनेबल कर देंगे ताकि ग्रीन स्क्रीन हट जाए। तो देख सकते हैं आप लोग एक ग्रीन स्क्रीन भी ऐड हो गया। अब सारा कुछ ऐड हो गया, अब एक चीज़ बच गया इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक, यानी कि तो बैकग्राउंड म्यूजिक को हम शुरू से लगाएंगे। मीडिया ऑडियो पे फोल्डर में जाएंगे, फोल्डर में जाने के बाद हम यहाँ पे भी रखे हुए वहाँ से हम इसको ले लेंगे। चलिए तो इसको लेने के बाद इसको हम इसका वॉल्यूम बिल्कुल 10 से नीचे ही रखेंगे ताकि सामने वाले को मेरा वॉइस सुनाई दे। तो हमारा ये टोटल काम हो गया, वीडियो का पूरा एडिटिंग कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रकार से हमें जहाँ जहाँ एक ग्रीन स्क्रीन का लगाना होगा वहाँ वहाँ हम इसको यहाँ, अगर चाहते हैं हम चेहरा को ब्लर करना, मतलब कि यहाँ पे ब्लर करना है, तो यहाँ पे ब्लर करने के लिए हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए एफएक्स पे जाएंगे, ये एप्पल ब्लर को लेंगे और सर्कल ब्लर देख सकते हैं यहाँ पे हो गया। अब इसको हम इस प्रकार से बड़ा कर देंगे, देख सकते हैं आप लोग चेहरा पर ब्लर हो गया, चेहरा को ब्लर छोड़ के बैकग्राउंड ब्लर हो गया मेरा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सेटिंग के, तो वीडियो का जो सारा एडिटिंग हो गया कम्प्लीट, अब हम चलते हैं यहाँ पर सेटिंग जो है इस पर क्लिक करेंगे। ऑडियो वाले में है तो ऑडियो में फेड इन को बंद रहने देंगे, फेड आउट जो है इसको 4 पे तो इसको 1 पे कर देंगे। वीडियो में आएंगे, वीडियो फेड आउट बंद है इसको ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बेहतरीन लगेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे लगता है कि वीडियो हाँ बंद होने वाला है। तो अब इसके बाद हमको यहाँ से क्या करना है, शेयर करके एक्सपर्ट करना है, तो शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे करने के बाद ये यहाँ पे आ जाता है। तो वीडियो को अगर YouTube पे अपलोड करना है तो YouTube पे अपलोड करने के लिए HD 720p ही सबसे बढ़िया रेजुलेशन है। अगर आप चाहे तो 1080p भी कर सकते हैं और 1440p भी कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ से 30 रहने दें, 30 रहने के बाद यहाँ से इसको बिट रेट को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर आप 5 से नीचा करते हैं 5 से, तो वीडियो का क्वालिटी जो होगा काफ़ी ख़राब आएगा। इसके लिए आप चाहे तो जितना ही ज़्यादा रहेगा उतना बेटर रहेगा। और यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए सीधे ओके। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।